क्या आपको स्क्वायर रूट परेशान करता है? क्या आपको स्क्वायर रूट निकालने में परेशानी होती है? क्या आपको स्क्वायर रूट देख के पसीना आता है? अरे हाँ भाई हाँ। अगर इस परेशानी से बचना है, एक ऐसी परेशानी जो हर बच्चे को 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम जरूर फेस आती है कि भाई स्क्वायर रूट जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन ऐसे नंबर जो होल नंबर नहीं है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, इस चीज का जवाब हमारी इस वीडियो में है। एक ऐसा मेथड जो बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को भी मिनटों में नहीं सेकंड में सॉल्व करेगा, तो इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और स्क्वायर रूट का एक ऐसा मेथड सीखें जिससे एक ऐसा स्क्वायर रूट की वैल्यू भी निकलेगी जिसको आप डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन उस स्क्वायर रूट को सीखने के लिए या उस मेथड को सीखने के लिए आपको जो स्क्वायर रूट निकालने का जो बेसिक फंडा है उसको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1 to 30 के स्क्वायर आने चाहिए। अगर आपको 1 to 30 के स्क्वायर डायरेक्ट आपको आते हैं तो आपको ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट आपसे निकलना ना। आज हम जो स्क्वायर रूट आपको करवाएंगे इनके बीच में ही करवाएंगे, लेकिन इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, तो इसलिए आज के बाद से स्क्वायर रूट नाम की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के जीवन में कभी नहीं रहेगी। बस वीडियो को देखते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। जैसे आप सबको ये पता है कि अगर 25 है तो इसका रूट 5 है, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि 25 का रूट 5 होता है और हर स्टूडेंट को पता होता है। और एक स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम ऐसी है जो हर उस स्टूडेंट को जो 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th, 11th या 12th क्लास में, हर बच्चा जहां पर भी स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा घबरा जाता है। आज के बाद किसी भी स्टूडेंट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस वीडियो के साथ बने रहे। मैंने बोला 25 का रूट 5 सबको पता है, 100 का रूट 10 सबको पता है, 900 का रूट 30 सबको पता है, 729 का रूट 27 सबको पता है। अगर हम बात करते हैं 90 का स्क्वायर रूट सेकेंडों में कैसे निकाला जाएगा देखते रहे जरा सा। अगर हमें 90 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि 90 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो हमें यह पता है कि 90 के आसपास ये दो नंबर हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट पता है, मतलब 90 के आसपास 100 भी है और 90 के पास 81 भी है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चाहे हम बड़ी वाली वैल्यू लें चाहे हम छोटी वाली वैल्यू लें, सेम प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं 90 के पास वाला 100, तो 100 का रूट आ गया 10। ध्यान से देखना जो आपको ट्रिक्स बताई जा रही है, इस ट्रिक्स का जरा ध्यान रखना जो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि जो हमें 90 निकालने के लिए उसके जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है हमें वो लेने, और 90 के आसपास का जो स्क्वायर रूट जो है वो 81 का 9 है और 100 का जो है 10 है। तो हमने 100 ले लिया और 100 जो है स्क्वायर रूट है 10 का। अब हमने देखा था हमारे पास 90 और ले लिया है हमने 100, तो हमने जो ज्यादा लिया था हमने ज्यादा लिया है 10, तो हमने उस 10 को माइनस कर दिया और इसका डबल करना है। क्या करना है? इसका डबल, तो 10 का डबल हो गया 20, इसमें से इसको माइनस करा, यहां आ गया 10, 1/2 को माइनस करा तो 0.5 और 10 में से 0.5 गया तो ये आ गया 9.5। इसका मतलब ये जो 9.5 जो है ये स्क्वायर रूट है 90 का। क्या बोला कि जो हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं जिसका नहीं होता है, मतलब होल नंबर में नहीं होता, तो क्या बताया कि या तो बड़ा ले ले या छोटा ले ले। मैंने बोला 100 जो रूट है ये हमारा 10 का है, तो हमने ये 10
लिया, ये जो 10 जो लिया है ये 100 का स्क्वायर रूट लिया, दोनों का जो डिफरेंस जो है वो 10 है। हमने 100 लिया था और 100 लिया था हमारे पास 9 था, जो हमने 10 एक्स्ट्रा लिया था हमने उसको डिडक्ट कर दिया, इसका डबल। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/2 का आ गया 0.5 और 10 को 0.5 में से माइनस करा 9.5। अगर मैं इससे लेता हूं, अगर मैं इससे लेता हूं, हमारे पास 81 जो रूट है, 81 का रूट आ गया 9, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 9। हमने लिया है 81 था हमारे पास 9, हमने एक्स्ट्रा हमने जो कम दिया था 9 हमने उसको प्लस कर लिया, मतलब अगर ज्यादा लेंगे तो माइनस करेंगे, अगर कम लेंगे तो प्लस करेंगे, इसका डबल। और 9 का डबल आ गया 18, 9 बन जा 9 2 जा, तो यहाँ आ गया 9 + 1/2 मतलब 0.5 आ गया 9.5, मिला के देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऐसे नंबर जो होल नंबर में नहीं है उन सबका स्क्वायर रूट ऐसे निकाला। और देखे जरा देखे, अगर हम बात करें 150, अगर हमें इसका रूट निकालना है तो 150 के आसपास की बात करेंगे, 150 इन दोनों के बीच में है हमारे पास 150 एरा, हमारे पास 150 के आसपास जो है या तो 144 है या हमारे पास 169 है। अगर हमने 144 लिया, 144 का रूट हो गया 12, लिया हमने 144 है, था हमारा 150, तो हमने 6 कम लिया तो हमने 6 को यहां पर कर दिया। तो उसके बाद अब हमने देखा इसका डबल आएगा 24, 6 बन जा और 6 4 जा, तो यहाँ आ गया 12 + 1/5 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करा, 4 बन जा 4 2 जा और 4 5 जा, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 0.25, तो मतलब ये आ गया 12.25। इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट 150 का स्क्वायर रूट आ गया 12.25। है बहुत आसान ट्रिक, क्या करना है उसका नियरेस्ट ले लो, अब नियरेस्ट लेने के बाद उसे प्लस करना है या माइनस करना है ये देखना पड़ेगा। अगर हमने कम लिया है तो प्लस, और अगर हमने ज्यादा लिया है तो माइनस, और अपॉन में उसका डबल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा देखें जरा ध्यान से, अगर हमने बात करी 19.5 का रूट, 19.5 हमने देखा 19.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 19.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है या तो उसका आसपास में, या तो 16 है या 25 है, 25 रूट होता है 5 का, 25 रूट होता है 5 का। अब हमने देखा, हमने ले लिया 25, लेना था 19.5, ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया है 25 में से 19.5 माइनस करा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से अब रह गया 5, -5.5 जो हमने ज्यादा लिया है, उसके बाद इसका डबल, तो 5 माइनस इस 5.5 को 10 से डिवाइड करा 0.55, इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यहां पर आ गया 5 नहीं बल्कि 4। अगर मैंने इस 5 में से माइनस करा 0.55 0.00, 10 में से 5 गया 5, यहां पर बच गया 9, 9 में से 5 गया 4 और यहां पर बच गया 4, तो 4.45 ये आ गया रूट। क्या बताया है कि भाई सबसे पहले उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट ले लो, अगर हमने कम लिया है तो प्लस करेंगे, और अगर हमने ज्यादा लिया है तो माइनस करेंगे, और अपॉन में जो है जो इसका डबल करेंगे, इससे हमारे पास है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और भी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आगे की वीडियो देखना है, और इसको ये जरूर नोट डाउन आपको करना है और जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।